एक बार फिर से आप सबका वेलकम। मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। दोस्तों आपको बता दें, पूरे इंडिया में स्किल इंडिया कोर्सेज कराए जा रहे हैं और मकसद सिर्फ एक है कि नौजवानों को एक तो स्किलफुल बनाना है, साथ में उनको रोजगार भी फराहम करना है। मैं इस वक्त मौजूद हूं रिटेल एसोसिएट्स ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत एक प्रोजेक्ट रिचार्ज चला रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। इसके लिए अलग से बजट बनता है ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर लाया जाता है ताकि उनको यहाँ पर ट्रेन किया जा सके और वो अपना रोजगार खुद कमा सके। आपको बताते हैं, ये जो यहाँ पर ट्रेनिंग चलाया जा रहा है ये रीचा एनजीओ की ओर से चलाया जा रहा है, जो दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। मैं यहाँ के जो ट्रेनीज हैं इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। जी मेरा नाम सैयद इकबाल है जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है, 45 डेज की ट्रेनिंग मिलती है हमें यहाँ पे। ये स्पेशली जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है उसी के लिए हमें पे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टर दैट एट द एंड हमें एग्ज़ाम होता है 45 के डेज के बाद। सो बहुत ही अच्छा, मतलब हमें यहाँ ट्रेन प्लेसमेंट के लिए ट्रेन किया जाता है रिटेल एसोसिएशन। मतलब जब हम काम करने के लिए बाहर जाएंगे तो उसी के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है सर। मैं यहाँ आता हूँ, मुझे 40 दिन हो गए कंप्लीट, आज मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। तो हम यहाँ पे सीखते हैं बेसिक कंप्यूटर्स और सम साइंस इंग्लिश, और उसके बाद हम भेजते हैं कई जॉब्स के लिए, तो हम प्रिपेयर होते हैं उसी के लिए। इसके साथ रिचा एफएफएल का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि मतलब उन्होंने हमारे यहाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ये एनजीओ खोला है जिसमें हम मतलब प्रिपेयर होते हैं और मतलब कुछ सीखते हैं, सीख कर जाते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मैं यहाँ पे ट्रेनर एज ए ट्रेनर डोमेन ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि रीचा है और IFL है जो कि हमारा फंडिंग पार्टनर है, हम यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं 45 डेज टू 50 डेज के ऊपर, जिसमें ये ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए कि हमारे एजुकेटेड यूथ को स्किल मिलेगा और उसके बाद वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं। उनको स्किल आने के बाद अर्निंग भी हो जाएगी और इसकी वजह से इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें लड़कियों को भी ट्रेनिंग की जाती है और बच्चों को लड़कों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये 45 डेज की ट्रेनिंग है। इस 45 डेज के अंदर हम इनको कंप्यूटर सिखाते हैं, रिटेल एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और साथ में इनको कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं साथ में। तो उसके बाद इनको तैयार करते हैं 45 डेज के बाद हम इनको एग्ज़ाम लेते हैं NSDC की ओर से और उसके बाद इनकी प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं। और प्लेसमेंट डिफरेंट एजेंसीज़ के ज़रिए से भी कर सकते हैं और डिफरेंट जगहों पे करते हैं, और जिसको जो स्किल होगा, अगर उसको कोई एक्स्ट्रा स्किल होगा तो उसको उसी के हिसाब से जॉब भी दिया जाता है। तो 45 डेज़ के अंदर ये कंप्लीट होता है और इसके बाद में हम इनको प्लेस करते हैं डिफरेंट लोकेशन, लाइक श्रीनगर में करते हैं, कुपवारा में करते हैं, या अगर कोई आउट ऑफ स्टेट भी जाना चाहता है तो उसको वहाँ के लिए हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं या हेल्प करते हैं ताकि वो भी अपनी अर्निंग कमा सकता है। जैसे मैंने आपको ओपनिंग में ही बताया, जो स्किल इंडिया प्रोजेक्ट है वो पूरे इंडिया में चल रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि नौजवानों को ट्रेन करना है और उसके बाद उनको कहीं पर प्लेस करना है। तो इसी हवाले से यहाँ पर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है रीच ऑफ एनजीओ की ओर से, और IIFL फाउंडेशन जो है वो इसका फंडिंग पार्टनर है, मतलब वो फंड कर रहा है इस चीज़ को। तो बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवारा।